हरियाणा से हैं रंजीत सिंह जी, स्वागत है आपका। हेलो जी। हेलो जी, नमस्कार सर। सुनाओ सर, मेरी अकील साहब से बात करवा दो जी। बात हो रही है भाई, कर लो। हाँ जी, आदाब, जय हिंद। आदाब, स्वागतम। बताइए क्या सवाल है। सवाल मेरा ये है सर कि मैंने गोमसिया भी खाया है, ठीक है, और वो डीकेएफ भी खाई है, हल्दी प्लस भी खाया है, आराम तो महसूस हो रहा है। लेकिन अब मुझे डॉक्टर अभिषेक ने एस केयर हल्दी प्लस और एक चटनी भेजी है। ठीक है, वो कैसे कैसे लेनी है? ठीक है जी, हल्दी प्लस एक टाइम रोजाना किसी भी टाइम खाएं। हल्दी प्लस एक टाइम रोजाना किसी भी टाइम खाएं। एस केयर कैप्सूल आपके पास है, वो दो टाइम खाना खाने के बाद पानी से या बगैर चर्बी के दूध से दो टाइम खाएं खाना खाने के बाद, और चटनी सुबह निहार मुंह एक चम्मच खाएं गर्म पानी से। इस तरह आप दवा खाएं, आपको मजीद फायदा मुमकिन है। तो अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, संतोष रानी। आपका सवाल क्या है मैम? मेरा जी है ना, मेरा गठिया है, गोड्डा ना सीधा नहीं होता, और गोड्डा में दर्द भी है, गोड्डा सीधा नहीं होता, सीसीपी बड़ा होता है, सीसीपी टेस्ट करवाया था ना। आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 52 साल। 52 साल जी। हाँ देखिए, एक नुस्खा आप आजमा लीजिए। इस नुस्खे के जो नतीजे हैं बहुत अच्छे हैं, और घरेलू नुस्खा है। देखिए, आपके घर में अलसी होती है, नहीं है तो बाज़ार से खरीद लीजिए, 300-400 ग्राम अलसी खरीद लीजिए। अलसी को साफ सूफ कर ले, कंकर अंकर भी मिला देते हैं ये दुकानदार लोग, तो कंकर निकाल दीजिए और हल्का सा भूने, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनना, फिर इसका पाउडर बनाकर एक डिब्बे में करके रख लीजिए। और एक आता है गोमसिया, इसे काला गोंद भी कहते हैं, काला गोंद, ये आप बस 100 ग्राम खरीद लीजिए, लेकिन असली खरीदना, इसमें नकल बहुत आती है, बेईमानी करते हैं दुकानदार अक्सर, और इसके जगह पर एलवा दे देते हैं या कुछ और गोंद दे देते हैं। गोमसिया अलग ही चीज़ है, आपको पहचान होनी चाहिए, और 100 ग्राम बस खरीद लिया तो काफ़ी होना चाहिए आपके लिए, और इसको अलग से पाउडर बना के रखिए, और आधा ग्राम गोमसिया और ये अलसी एक चम्मच रोज़ाना नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पानी से या बगैर चर्बी के दूध से इस्तेमाल करें, थोड़ा सब्र करें, ये नुस्खा ख़त्म होते होते आपको फायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं पुष्पा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, एक और पूछना था जी। आप लाइन पे हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए पूछिए। हाँ जी, ये सारे यूरिक एसिड ये बढ़ रहा है ना, ये आयरन फैक्टर मतलब गठिया है ना मेरे को। हाँ हाँ, इसमें भी क्या लाभकारी करेगा? मतलब वैसे दवाई तो मेरी चल रही है, मैं फिजियोथेरेपी भी करा रही हूँ, तो मेरा ना सीसीपीआई तो बिल्कुल कम ही नहीं होता, मैं इतनी दवाइयाँ खा चुकी हूँ। ठीक है ठीक है, मैंने इसीलिए आपको नुस्खा बताया, ये इससे हमने इस तरह के बहुत सारे मरीज जो बड़ी तादाद में, देखिए मैं जैसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 2-4 लाख लोग मेरी बात सुन रहे हैं, और उनमें जो भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनको फ़ायदा होता है, असली मिलना ज़रूरी है दवाओं का, लेकिन नकली मिल जाएंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं, असली की जिम्मेदारी इस गोंद की है। इस गोंद को मैंने दुनिया का बेहतरीन नुस्खा पाया, जब मैं किसी चीज़ को बेहतरीन समझता हूँ तो मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, और करोड़ों लोग आप जैसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फिर वो भी इसको इससे फ़ायदा उठाकर फिर वो भी अपने रिश्तेदारों में ये बात फैला देते हैं कि इस
नुस्खे में ये फायदा मौजूद है जी। अगले कॉलर हैं सुनील कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? हिसार से जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है जी, मेरी वाइफ का वजन बहुत बढ़ रहा है। उम्र कितनी है उनकी? 55 साल। और वजन कितना है? वजन 95 के करीब। अच्छा, थायराइड वगैरह का टेस्ट कराया है उनका? हाँ जी, थायराइड भी है जी उनको। ठीक है। हाँ देखिए, थायराइड के लिए आप वो दवा जो डॉक्टर देते हैं वो भी दीजिए, उसे भी छोड़ना नहीं है। और एक नुस्खा बहुत कामयाब है, लेकिन 7-8 महीने लेना आप उसको, और डॉक्टर की दवा भी लेना। देखिए, धनिया लेना है, जो धनिया घर में होता है, धनिया का दाना 300 ग्राम धनिया और 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद। गौंद मोरिंगा सफ़ेद नकली भी मिल जाता है, ये असली लेना। सफ़ेद वाला ही लेना, लाल वाला नहीं लेना, या पीला सा कोई दे नहीं लेना, सफ़ेद वाला ही लेना। गौंद मोरिंगा सफ़ेद संभल कर लेना, ये नकली भी मिल जाता है, बाकी चीज़ें तो असली होती ही है। फिर से दोहराता हूँ, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला सूखा हुआ, 100 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद, इसका पाउडर बना लें और एक चम्मच सुबह उस गोली के साथ जो डॉक्टर ने आपको दी है थायराइड के लिए दिया करें, और एक चम्मच शाम को भी दें रात को सोते समय गर्म पानी से। ये अगर आप 7-8 महीने देते हैं तो, और बीच बीच में आप थायराइड का टेस्ट कराते रहें 2-2 महीने में, और पुरानी रिपोर्ट से वो मिलाते रहें कितना फ़र्क पड़ा, आपको भी पता रहेगा और डॉक्टर को भी दिखाएं। धीरे धीरे डॉक्टर उनकी गोली कम करता रह जाएगा और ज़्यादा अरसे तक खाने से उनको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं एमपी से, बादाम सिंह जी, स्वागत है आपका। जी सर, सवाल कर लीजिए। नमस्कार। मेरा पेट में गैस ज्यादा बनती है जी। कब से बन रही है ये गैस? गैस हो गए 1-1.5 साल हो गया। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र बताइए सर। उम्र 80। नमस्कार। ठीक है बादाम सिंह जी, देखिए एक बेहतरीन नुस्खा है जो जो एक बार इस्तेमाल कर लेता है वो उसका बहुत यानी उसे बहुत पसंद करने लगता है, और फिर वो बना बना कर लोगों को बांटने लगता है, और वो है ज़्यादातर घरेलू चीज़ें। आप लिख लीजिए, अगर आपके पास कलम है और वो है डायरी है तो लिख लीजिए। सौंफ, सौंठ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और धनिया। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना। फिर एक बार बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये सब 100-100 ग्राम लेना है। और एक आता है नमक जैतून, ये असली चाहिए, बाकी तो आपको पहचान है, इसकी पहचान नहीं होगी, इसलिए असली चाहिए। ये बिल्कुल नमक जैसा ही दिखने वाला पदार्थ है, लेकिन नमकीन नहीं होता, इसकी ये पहचान है। सफ़ेद ही होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। ये भी 100 ग्राम इसमें मिलाकर खूब बारीक पाउडर बनाएं, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम, खाने से आधा घंटा पहले आप लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। नमस्कार। कर्नल वर्मा जी इंदौर से बात कर रहे हैं जी। नमस्कार सर। और कैसे हैं? बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? और आप अच्छे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है। आदाब वसीम साहब। आदाब, आदाब, खुशामदीद। और सब कैसे हैं? बस हम तो ठीक ही हैं, आप बताएं।
हम भी आपकी दुआ से अच्छे हैं और आप दुआ में हमेशा याद रखें जी। जरूर जरूर बताइए क्या खिदमत। बस एक बात पूछना थी बस खाने पीने के बारे में। ये अदरक और लहसुन का जो आप बताते हैं जो चटनी, तो हमने तो भून के रख ली है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कितने दिन रह सकती है, 2-4 दिन की थोड़ी थोड़ी बना है, ज्यादा तादाद में बना लें जी। अच्छा और क्या सवाल। बस मैं क्या है कि मेरे जहन में तो सारे आपके नुस्खे हैं, मतलब आपसे आप रिटायरमेंट हो उससे पहले सब कंफर्म करके सफे पे उतार दिया हूँ मैं रफ्ता रफ्ता हर नुस्खा ही। मेरे जहन में सब तो नोट तो कर लिए है, मगर मैंने वाला मैं नहीं दिया तो लोगों को फायदा तो होगा कम से कम। जरूर जरूर जहन में रखते हैं, पहचान समझ लेते हैं, जहन में रखते हैं पहचान समझ लेते हैं, किश्तियाँ किसकी हैं तूफान समझ लेते हैं, किश्तियाँ किसकी हैं तूफान समझ लेते हैं, है झिड़कना किसे आदाब बजाना है किसे, है झिड़कना किसे आदाब बजाना है किसे, सूटें देख के दरबान समझ लेते हैं। ये शेर याद आ रहा था मुझे, और आप शौकीन आदमी हैं, मैंने ये कथा सुना दिया। तो ये चटनी फ्रिज में रख दे तो ये, मैंने तो इसे ख़राब होते हुए देखा नहीं, अगर टेम्परेचर आपने सही किया हुआ है फ्रिज का, और बम्बई में तो इस चटनी को खुश्क कर देते हैं, बिल्कुल सुखा देते हैं, और वहाँ गरीब आदमी वड़ा पाव 125 रुपये का आता है, ज़रा सी चटनी साथ में मिलती है, और वो सूखी हुई चटनी होती है, वो लग के खाते हैं, गुजारा करते हैं। मैंने भी बहुत दिन गुजारा किया उससे। तो इसे अगर भून ली जाए अच्छे से तो ये कितने भी दिन रह सकती है, और नमक भी इस पर ज़रूरत का डाल लें, और बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। तो ये सवाल थोड़ा आपने कर तो लिया, लेकिन मुझसे ज़्यादा वाकिफ इस सवाल से आप हैं। लखनऊ से सीता जी स्वागत है आपका। जी मैम नमस्ते। नमस्कार, आपका प्रश्न क्या है? मैम ये मेरी सिस्टर हैं, उनके मतलब MRI हुई है, तो उनकी डॉक्टर बता रहे हैं कि उनकी कमर की नस दब रही है, तो इसके पहले हम बात हुई थी आपसे, हमने गौर मंगवाया था, ठीक है, तो वो खा रही है तो थोड़ा मतलब आराम तो है, लेकिन मैम ये है उनकी हाथों पैरों में झनझनाहट बहुत हो रही है। ठीक है ठीक है। अच्छा बच्चा देखो, गौंसिया तो अभी है आपके पास, और इस जैसे रिजल्ट मैंने अपने जीवन में किसी दवा के नहीं देखे। आप भरोसा रखें भगवान पर, मशवरा माने मेरा कि एक तो वेस्टर्न टॉयलेट पर वो फारिग हो, जिनको भी कमर की नस दब जाती है उनको वेस्टर्न टॉयलेट कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करना चाहिए, मेहनत का काम छोड़ देना चाहिए कुछ दिन के लिए, और कम से कम एक नुस्खा पूरा कर लें, ये गौंसिया वाला आधा आधा ग्राम खाना है 2 बार खाने के बाद। और बेशतर तो मैं देखता हूँ कि नुस्खा ख़त्म नहीं हो पाता कि आदमी को फ़ायदा होना मुमकिन है, किसी को अगर और भी लेना पड़े तो ले सकते हैं। देखिए बहुत लंबा मामला है, MRI कराओ तो 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं, और ये तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है, MRI से भी सस्ता है, डॉक्टर की फीस से भी सस्ता है, ऑपरेशन तो मत कराना आप ये नुस्खा खा लीजिए और खूब भगवान से मदद मांगिए, आपकी सिस्टर का फ़ायदा होना मुमकिन है।